Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब्बा जी, वो आप अगर अपना प्राइस बॉन्ड बेच दें तो। देख सलमा, प्राइस बॉन्ड दी बिल्कुल बात ना करियो। मैंने प्राइस बॉन्ड लिए किसके लिए? अबे इसको बेच के आ, चल चल निकल यहाँ से, चल। कैसा मनहूस लड़का ये, क्या करूँ मैं, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। पर पैसे तो फिर भी कम है ना, बच्चों को बोलूंगी कि ईद के ना पुराने ही कपड़े पहन ले। ये वही प्राइस बॉन्ड है जिससे आपने सलमान के हाथों बिकवा दिया था। क्या? हाँ जी। बबली, क्या कर रही हो तुम? आराम से बैठी हुई हो। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? कोई बात हुई है? आप लोग इस रिश्ते से मना कर दें। बबली, ये तो कैसी बातें कह रही है? ऊपर सब इतना परेशान है शादी को लेकर, मतलब घर में शादी के लिए कुछ है नहीं और मैं शादी कर लूँ इस तरह से। मैं किसी को परेशान करके शादी नहीं करना चाहती। नहीं बबली, ऐसे नहीं बोलते। बबली मेरी बात सुन, सलमान कितना अच्छा लड़का है, तेरे से कितना प्यार करता है, और फिर उसकी सैलरी देखिए, 65,000 सैलरी है उसकी, खुश रहेगी। तुझे एक सेकंड के लिए भी ना देखे ना, देखा है कितना बेचैन हो जाता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। बहुत खुश नसीब है तू, तुझे इतना प्यार करने वाला मिला है। शुक्रियापन न दिखा, हम लोग हैं ना तेरे लिए। लेकिन क्यों परेशान होती है? है भाई, पगली मुझे रुला रही है। अच्छा ये बता कि मेरे ये बाल सही लग रहे हैं? मैं रोल कर लूँ ऐसे करके या स्ट्रेट रखूँ? बहुत अच्छी है आप, इस तरह बोलते आकर। हाँ मैं बोलती ही तो रहती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ ताकि तुम लोग खुश रहो। तुम लोग को खुश करने के लिए तो बोलती हूँ, वरना तो मैं तो बोलूँ भी ना, बिल्कुल चुप रहूँ। मेरी प्यारी प्यारी सी बबली, सॉरी मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे? हाँ बोलो बोलो। ओके, मुझे नमाज पढ़ना सिखा दो। मेरे को कहाँ आती है नमाज? मोनू आती होगी ना, अब तो मुस्लिम हो। तो मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो बच्चा हूँ, मेरे को कहाँ आती है नमाज? अब मैं कैसे करूँ, तब बहुत काम है, मुझे बहुत चीजें करनी है, कौन सिखाएगा मुझे नमाज? मैं काम करती हूँ दादा, पूरी बात चलते वो सिखा देंगे नमाज। उनको आती है? हाँ लेकिन वो बहुत गुस्सा करते हैं। नहीं चल जाओ उनके पास, चलो नहीं डांटेंगे। डांटेंगे नहीं? नहीं प्रॉमिस। चलो चलो वहाँ चलते, चलो आजो। गॉड मेरे को तो नहीं सुन, आजो आजो आजो। शो रिया दीदी को रख देते हैं, फिर हम दादाजी के पास जाएंगे। आजो चलते। अल्लाह मियाँ, अगर बॉन्ड मेरे पास ही रहते तो खुल जाते। अब इसमें तेरी क्या हिकमत है कि बॉन्ड भी नहीं रहे और वो बॉन्ड का इनाम भी निकला है। अल्लाह, तू जानता था मेरी बच्ची की शादी थी, मेरी बेटी की शादी थी। अल्लाह मैं बहुत कमजोर हो गया, अगर तेरे से ये मदद मिल जाती तो क्या था। अच्छा अल्लाह तू बेहतर जानता है। अल्लाह मदद कर, मदद कर अल्लाह, मदद कर। Do-do-do-do.
दादाजी हमें नमाज पढ़ना सिखा देंगे। क्या कहा तुमने? हमें नमाज पढ़ना सिखा देंगे। क्यों? वो ना हमें बहुत 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 वेरी इम्पोर्टेंट दुआ करनी है। अरे दुआ तो बगैर नमाज के भी हो जाती है, तुम चाहे दुआ कर लो। आपको नहीं पता वो ना जो नमाज पढ़ के दुआ करता है ना, ऐसे दुआ करता है तो अल्लाह मियां फौरन फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं, फौरन। यस सिखा दें प्लीज। अच्छा भाई अच्छा, मैं तुम्हें नमाज भी सिखा देता हूँ और कुरान शरीफ पढ़ना भी सिखा देता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो तुम लोग चलो, पहले वजू करो फिर मैं आता हूँ। आएंगे ना? अरे हाँ बेटा तुम चलो, मैं जूता पहन के आया। ओके आएंगे ना? अरे हाँ भाई आ रहा हूँ आ रहा हूँ। थैंक यू। भाभी जी कोई काम है पुत्र तुमको? काम काम हाँ नहीं बताना चीज क्यों रही है? भाभी जी मैं कह रही थी कि एलो फड़ो हैं पैसे, ये कहाँ से आए तेरे पास? भाभी जी मैंने ना जमा किए थे, मैं ईद पे ना बुटीक का ना बड़ा महंगा जोड़ा पहनूंगी, वो जो मॉर्निंग शो में पहनती है ना वो वाला जोड़ा लेकर आऊंगी, और वो फैशन डिजाइनर की ज्वेलरी और वो हील वाली जुत्ती बड़ी दुकान से मैंने खरीदी है। लेकिन तो फिर तू पैसे मुझे क्यों दे रही है? भाभी जी तुसी एक काम करो, तुसी ना इस साल ये दस्तखान से जा लो इन पैसे। पुत्र मैंने सोचा मैं अगले साल ही करूंगी, अब नहीं करती इस बार। भाभी जी रिश्ते ज्यादा अहम होते हैं, और तेरी खुशी में मेरी खुशी है, उन कपड़ों से और वो हील वाली जुत्ती से थोड़ी मिलेगी। अल्लाह पाक हम सब की ना सारी मुश्किलात पे दूर करे। हाँ मैं सबके जहां अपनी तीर। भाभी जी इस बात पे ना वो बनता है क्या, क्या? गोपी वाले स्टाइल 1 2 3 हाय, और इसके बाद बड़े प्यार से भाभी जी। बबली आंटी है ना, बबली उनकी ना वेडिंग है, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, बहुत गिफ्ट लेने, बहुत चीजें लेनी है। यस दे दें प्लीज। बबली आंटी मैं आपसे शादी कर लूं? उससे? हाँ यस। लामिया लामिया वो दादाजी है ना गुस्से वाले बहुत। हाँ यार दादाजी को ना वो उनका प्राइस चाहिए, उनको प्राइस दे दे प्लीज, वो जीत जाए प्राइस। ओके जल्दी से जल्दी जल्दी पास। ओके और वो अक्रम अंकल है ना बहुत मारते हैं ऐसे, बहुत मारते हैं। हाँ और वो मामा जी हैं गुदवाली, इनको ना आप बहुत 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 सारे पैसे दे दें। यस वो बबली आंटी है ना बबली, उनकी ना वेडिंग है,
हाँ उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, बहुत गिफ्ट लेने, बहुत चीजें लेनी है। यस दे दें प्लीज। और नजीर अंकल है ना शुगर का इशू वाले, उनको ना जॉब चाहिए, जॉब। हाँ यस जॉब चाहिए, ऑफिस वर्क, उनको जॉब दे दें प्लीज जल्दी से। हाँ उनको प्रॉब्लम है ना बहुत। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बात कर रहा हूँ। जी जी मैंने अप्लाई किया था। अच्छा अभी? जी 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 मैं आ रहा हूँ। नो प्रॉब्लम सर, मैं आ जाऊँगा। मैं जी भी मैं आ रहा हूँ। ओए बशीर पुत्र, इधर गई मैं। फल मेरा पुत्र है समान दी लिस्ट ते ए ने पैसे। ए मेरा पुत्र सारा समान लिया के दे मन सारा। आहो सर जा, मेरा पुत्र देर ना लाई, बहुत देर हो गई अगे। अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूं। मन समझ नहीं आंदी आजकल दे बच्चियां दा मुंह किड्डा भेड़ा बंद है। अम्मी जी तन्नु की होया हुण? मुझे जल्दी से ये शेड इस्त्री करते हैं हम। क्यों तू किसी घोड़े ते बैठना? अम्मी जी मुझे दूसरी जगह से इंटरव्यू की कॉल आ गई है। सच्ची ना? हाँ जी। जा मेरा पुत्र। अच्छा ओ ओ पैंट वेंट नहीं पानी? पैंट मैं कल वाली पहन लूंगा। चलो मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं समझी शायद। और गुफी आंटी की भी प्रॉब्लम फिनिश कर दें फुल। और छोटू है ना माय फ्रेंड, छोटू की हाइट बहुत कम है ना, छोटू की हाइट भी बहुत बड़ी कर दें। आमीन। मुबारक हो दादाजी। जी बेटा इस बात की? दादाजी मुझे दोबारा इंटरव्यू की कॉल आई है। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात। बस आप दुआ करें कि मुझे जॉब लग जाए। इंशाल्लाह अल्लाह तुझे बहुत तरक्की दे। जा बेटा, अल्लाह तेरी बहुत मदद करे। तो नमाज के बाद दुआ करते ना वो फौरन एक्सेप्ट हो जाती है। yes! फौरन एक्सेप्ट। और देखो हो गई। हाँ यार दोबारा करें? बाद में करेंगे ना जब दोबारा टाइम होगा नमाज का। बाद में। ओके थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा सल्लू तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तो कह रहा हूँ मेरा बस ना चले, मैं तुम्हें बंगला दिलाऊं, गाड़ी दिलाऊं, शुक्रान ले जाऊं, नाराज ले जाऊं, कहान ले जाऊं, बस। क्या हुआ, खुश नहीं हो? नहीं खुश हूँ। क्या हुआ है बताओ भी मुझे। सलमान मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, बल्कि सारे घर वाले परेशान हैं मेरी शादी को लेकर। और मैं किसी को परेशान करके शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? मेरा तो बचपन से ही शौक है भाग के शादी कर लेते, बाइक पे सवार, शहर से कोसों मील दूर। एक मंदिर है, मैंने पंडित मेहरवान से पूरी सेटिंग कर ली है, वहाँ पे शादी करेंगे, खुश रहेंगे। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते? क्यों रहूँ मैं सीरियस? हाँ क्योंकि मैं भाग कर शादी नहीं करना चाहती और ना ही किसी को परेशान करके। और वैसे भी हम मुसलमान हैं, किसी पंडित वगैरह के पास जाके शादी नहीं कर सकते। तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारा सल्लू पूरे 65,000 रुपए कमाता है और तुम्हें कभी गम में नहीं रहने देगा, हमेशा खुश रखेगा। हम मुसलमान हैं, हम भाग के शादी नहीं कर सकते, सही है? दौड़ के तो कर सकते हैं ना। सलमान तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहती। यार कर लो ना, मैंने ऐसा करा क्या है? मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ आइसक्रीम खिलाऊंगा, पिज्जा खिलाऊंगा, बर्गर खिलाऊंगा, हर चीज खिलाऊंगा, बस एक बार शादी कर लो। तुम अभी भी मजाक के मूड में हो, मतलब सीरियसली? तुम्हारे मैं दादाजी को भी खिलाऊंगा, मैं पूरे घर वालों को सब कुछ खिलाऊंगा, तुम मुझसे फिर भी शादी कर लो? फिर से मजाक? मतलब तुम एक बार सीरियस होकर मेरी बात समझोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि घर में सब कितने परेशान हैं। ये हमारे फ्यूचर का मामला है। मैं तुमसे भाग के शादी नहीं करूंगी। तुम्हें भगा कौन रहा है, मैं तो बाइक पे ले जा रहा हूँ, भागने में तो इंसान थक जाता है। तूने खेलना तो बाहर जाया कर, किचन में आके हमारे भी काम रोक रही है।
पापी जी और कितना कुछ काटने में थक चुकी, मुझसे ना रोज से इतना काम नहीं होता। आपने पालक रख दी, टमाटर रख दिए, प्याज रख दिया, आलू रख दिया, मिर्चा रख दी, खीरा भी रख दिया, मैं कितना कुछ काटूंगी। अम्मा हटो ना, मैं काम कर देती हूँ। खैरियत है पुत्र जी, तेरी तबीयत ठीक है, तू तू काम करने के लिए। अम्मा हटो हटो, आप बैठो जाके। अरे क्या, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। बस जी, मैंने जैसे सुना ना आपके दस्तरखान है, तो फिर मैं भी आ गई। भाई हाथ बटाना भी तो सवाब का काम होता है। हाँ जी, और मेरी ना बड़ी बरसों पुरानी ये ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा सा दस्तरखान करूँ, जो आज अल्लाह ताला ने ना इन सब की मदद से मेरी पूरी कर दी। सही बात है, ख्वाहिश तो मेरी भी बहुत बड़ी है बरसों पुरानी। क्या जी? क्या जी? यही कि मैं अपने सलमान को शेरवानी पहने देखूं। एक काम करें भाई, वो आसिफ झोका है ना, बहुत मशहूर है डिजाइनर। आसिफ झोका? मैं नहीं जानती। वो पापी जी हमारे कोने पे, वो चाचा पीके के टेंट की दुकान है ना, उनको हम बोलेंगे ना, वो टेंट सी के देंगे, क्योंकि टेंट के अंदर ही आ सकते हैं, उसके अलावा तो आ नहीं सकता। वैसे हमारे ना बड़ी बड़ी चादरें नहीं है, और ये पर्दे भी है ना, अगर पर्दे भी आ सकते वाटरमेलन, वाटरमेलन। तोड़ दिया अंकल ने, तोड़ दिया। शाबाश, चल खजूरे वहां रख दे। ओए 50 साल के नौजवान, चल इधर रख इसको, चीजों को। आप लोग गुड लोग है ना, बहुत खाना नहीं, जो गुड लोग होते हैं ना उनको बहुत सवाब मिलेगा। आप रो रही है? नहीं नहीं बेटा, तो स्माइल कर दिए। रो रही है ना, है ना? तुझे पता है मैंने जो अल्लाह ताला से वादा किया था ना, आज मैंने पूरा कर दिया। जब अल्लाह ताला से किया वादा पूरा होता है ना, बड़ी खुशी होती है, और जब खुशी होती है ना तो खुशी के आंसू आते हैं। यस, खुशी वाले आंसू है ना ये, खुशी के आंसू। हाँ यस, हैप्पीनेस टीयर्स। हाँ यस, और पार्टी सब रख दिया मैंने। अच्छा किया तुमने, जीता। लेकिन रोना नहीं ना। नहीं रोते, रोना नहीं। यस, थैंक यू बोल दिया अल्लाह मियां को? बोल दिया? दोनों बोलो। ओके ओके, मैं दुआ करूँ। अल्लाह मियां, थैंक यू सो 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 मच। आमीन। दादाजी मुबारक हो आपको। किस बात की है? मुझे नौकरी मिल गई दादाजी। बस ये मेरी दुआएं नहीं है, पुप्पू की दुआएं है, उसकी दुआओं से तो नौकर हुआ है। नहीं दादाजी, आपकी और अम्मा जी की दुआओं से हुआ है। अच्छा चल, लेकिन तू पुप्पू का शुक्रिया अदा कर, उसको प्यार कर। और नाजरीन, अब वक्त आ चुका है अपने लकी विनर्स अनाउंस करने का। तो लूटो पाकिस्तान के पहले लकी विनर आज के इस शो के हैं, जिनका नंबर है 0312। मैं क्या करूं, मेरा भी नहीं निकल रहा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, क्या बोलूं? चुप हो जा कूपी, चुप हो जा। जिनका नंबर है 8394 मुझको पता था हमारी किस्मत ही खराब है। विनर हमारे निकलने वाला हमारा, मेरी किस्मत है ना नौकरी है, इनका नंबर 2489।
2, 9। जी हाँ, इन तीनों लकी विनर्स को बहुत जल्द इनके इनामात इनके घर पर ला दिए जाएंगे। मुझे जितनी टेंशन हो रही है, शादी का क्या होगा अगर ये नाम नहीं निकला तो? ओ अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, ओ कल हमारा ही नाम निकलना है। कि कल लूटो पाकिस्तान का आखिरी शो है और इस शो में लकी 3 विनर्स को मिलेगा एक बोनस। जी हाँ नाज़रीन, उस बोनस में मौजूद है एक बाइक, 1000 cc कार, 20 तोला सोना, 10 लाख रुपए कैश। कल हमारा शो देखना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, लूटो पाकिस्तान। 10,000 कैश आप अभी देखिएगा, मेरा निकलेगा और मैं बहुत बड़े डिजाइन से जाके कपड़े खरीद रहा हूं। अच्छा जी, जोड़े, बिस्तर, रजाइयां, इस्त्री, टोस्टर और बर्तन, ये सब तो हो गए हैं, मगर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन रह गए हैं। सलमा तो कैसी बातें कर रही है, हमारी शादी भी तो इन चीजों के बगैर ही हुई थी। अकरम जी, वो वक्त कुछ और था और अब वक्त कुछ और, अब ये सारी चीजें जो है ना वो जरूरत की हो गई हैं, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बेटी को इन चीजों के पीछे ताने दे और वो एहसास कमतरी में चली जाए। वो गल तो चंगी है तोड़ी, पर तेरे को पता है कि अभी हालात इस काबिल नहीं है कि मैं इतनी महंगी चीजें खरीद सकूं। देखें जी, मुझे अपने रब पे ना बड़ा भरोसा है, मुझे पता है कि वो मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। आप देखना, जो जो चीजें मैं सोचूंगी ना वो मुझे सब जमा होंगी। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे। हाँ जी, अल्लाह पे ही तो भरोसा है सलमा जी। कितने प्यारे सूट हैं, अच्छा लग रही है। वेरी क्यूट। इधर देख, ए ए बात तो सुन, और दिखा दो मेरे को। चुप बबली, बात सुन, ये जो गुफे ना देख सलमान के लिए लेकर आई है। वाह फूफो, बहुत अच्छी लगी, तेरी पसंद कब से इतनी अच्छी हो गई। बेस्ट सामान, बेस्ट बेस्ट चीजें। वाओ, मेरा फेवरेट कलर पिंक, फेवरेट 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 कलर। मुझे भी ऐसी वाली तो अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो फिर ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें ये सारी चीजें भी लेकर दूंगी। आप सारे घर वाले तुमसे मिलके इतना खुश होंगे कि ना गुफी के तुम्हारी मेरी शादी होगी। नो 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 नो, प्लीज प्लीज नो नो। बोल तो तेरी अभी शादी करा दें। और तेरी उसकी शादी क्यों करा रहा है, मेरी शादी करा दो ना। तू तो सुंदर भी नहीं हो। हाँ हाँ, तू बड़ा सुंदर है। अभी ना पैर की आखिरी छुंगली के नीचे रख के दबा दूंगी, भी तेरी आवाज नहीं आएगी। चुप कर यार, अब से नहीं कहूंगा मैं। अब बहुत बोलती हो गए। सब लड़की मेरे से प्यार करती है। ये भी ये जरा प्यार करती है ना, बाल नोच के बराबर कर दूंगी, बाल भी हाथ में नहीं आ रहे। लेट मी थिंक। ओके सॉरी बबली आंटी, मैं आपसे शादी कर लूं। उससे? हाँ यस, वो इतनी सारी ईदी मिल जाएगी ना सब मुझे। नहीं नहीं बुबू, तुम्हें तो पता है ना मेरा वो। यस यस वो फैन, लेकिन मैं ये सब ले लूंगा ना। तो फिर ना हम तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढेंगे, सही है? हाँ हाँ यस, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो अभी तो सिर्फ मैं ही अवेलेबल हूँ, आप प्लीज। नो नो, नहीं चाहिए, ईदी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मतलब है, जब आप देखोगे ना, जब ये देखेंगे हम लोग साथ। बस ईद के 5वें रोज मैं ले जा रही हूँ बबली को। इतनी जल्दी, कुछ जल्दी नहीं हो गया? जल्दी क्या, आप खुद सोचिए, 10 साल बाद मेरा भाई आ रहा है। थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो अच्छा था। 0, 7, 2, 1। जी हाँ नाज़रीन, ये है हमारा लास्ट विनर, 0, 7, 2, 1। आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
ओ भाई क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाया हुआ है तुमने? दादाजी मुझे अपनी शादी होती नहीं दिख रही। अरे ऐसी मनहूस बातें बेटा क्यों कर रहे हो? किसने कहा है तुम्हें ये बात और क्यों तुमने सोची ये बात? दादाजी जब से बुबू यहाँ है ना तब से मुझे डर लगने लगा है कि कहीं बबली की शादी उससे ना हो जाए। बुबू के लिए कह रहे हो? अरे सलमान तुम्हें क्या हो गया बेटा? दादाजी अब बुबू उसको ही बुला लेना यहाँ पर और उससे पूछ ले कि उसने बबली को क्या बोला है। नहीं तुम्हें किसने कहा है यार, उसने तुमको क्या कहा है ये बताओ। मुझे नहीं कहा, बबली को कहा। क्या नाम था उसका? बुबू। बुबू, ओ बुबू। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। यस दादाजी बुलाया। हाँ बुबू बेटा बात सुनो। ओ बबलू बोल रहे थे ना, मुझे लगा किसी और को बुला रहे। हाँ हाँ मुझे भी यही लगा। वो बात ये है कि दादाजी ये देखिए ना। ओ बुबू पुत्र तूने इसको क्या कहा है? नहीं मैंने फैट बॉय कहा इनको। पापा जी तो सब पता ही है, इनका क्या हाथ सर हिलाता है और उसे सब पता है से क्या बोला। अरे बेटा वो तो उसकी आदत है, तुमको क्या बोलना है कुछ बताओ भी तो सही। तुमने क्या बोला उसको? तुमने बबली को नहीं बोला कि तुम्हें उससे शादी करनी है? हाँ यस वो बोला था, यस पूना मैं शादी कर लूंगा ना उनसे, वेडिंग वेडिंग ऐसे वेडिंग। वो जो ईदी है ना वो सब मैं ले लूंगा। कमाल हो गई है यार उसकी मासूमियत देखो। ठीक है बेटा सही है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं दब जाऊंगा। फ्रेंड्स ओके मैं जा रहा हूँ, ईदी लेनी है। ओके शादी कर लूंगा शादी। अरे बेटा कोई अकल की बात करो, जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती शक कर करके। भाई जी मैंने कब शक किया, मैं तो बबली से प्यार करता हूँ, ये तो आपको भी पता है, आपसे भी कितना प्यार करता हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी भाई, लाल दुपट्टे में और खूबसूरत लग रही है बबली। जी जानने मेरी थी जानने। जी जी बस मेरा भाई आने वाला है ना अमेरिका से, बस ईद के पांचवे रोज मैं ले जा रही हूँ बबली को। इतनी जल्दी? कुछ जल्दी नहीं हो गया? जल्दी क्या, आप खुद सोचिए 10 साल बाद मेरा भाई आ रहा है। थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो अच्छा था। चले होना तो है लेकिन चले आपकी जैसी खुशी। मेरी शादी अभी तक क्यों नहीं की आप लोगों ने? कितने लड़के दिखाए मुझे आपको, उस्मान इम्तियाज जाहिद जुबैर, किस किस का नाम लो, किस किस का नाम लो। आप लोगों ने मुझे यही कहा कि लड़का सही है, ये लड़का सही है, ये लड़का सही है। क्यों क्यों जाहिद ने तो सीएनजी रिक्शा भी खरीद लिया। चुप कर जा बेटा चुप कर जा। ये सारी ज्वेलरी ये सारा सामान मेरे लिए बिका सकता, मैं भी शादी करके दुल्हन बनके जा रही थी, इसकी जगह पर मैं बैठी हुई होती, आपने ऐसा क्यों किया? आप देखे ना आप लोग सब बैठे देख रहे हैं लेकिन मैं। चुप कर जा। ले लेंगे सब ले लेंगे। ओके हाँ बोलो अब चुप हो जाओ। ओके ले लेंगे। अल्लाह मियां अल्लाह मियां आप तो बहुत 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 अच्छे हैं ना, तो मेरे ख्याल पे कॉल करते हैं मुझे ना वो प्राइज है लूटो पाकिस्तान वाला, उसका लास्ट लकी ड्रॉ है, लास्ट ओनली लास्ट वन नो मोर, तो वो ना हमें चाहिए। यस यहाँ पे सब कुछ चाहिए ना, वेडिंग है और उसमें कार है, कार वो मैं अकरम अंकल को दे दूंगा। यस और गोल्ड मैं दे दूंगा बबली आंटी को, और नजीर अंकल है ना वो जो शुरू करते हैं, यस उनको मैं ना मोटर बाइक दे दूंगा, और सबको सब चीज़ें दे दूंगा, दादाजी को ना कैश प्राइज दे दूंगा सारा वाला। ओके दिला देंगे हाँ। यस नमाज के बाद दुआ कबूल हो जाती है फौरन, यस एक्सेप्ट हो जाती है, बोला था वो। ओके ओके फाइनल डन, प्लीज दिला दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आमीन डन। देखो ना कोई चीज निकलनी चाहिए।
और नाज़रीन अब वक्त आ चुका है, अब चुप हो जाओ, प्रोग्राम शुरू हो गया। देखो दिल थाम कर बैठिए, हमारे आखिरी तीन विनर्स लूटो पाकिस्तान के। जी हाँ अल्लाह मियां, मेरी बबली दा ब्याह है, कुछ ना कुछ तो काट दमी। पहला नंबर जो कि लूटो पाकिस्तान का विनर है वो है थ्री ट्रिपल वन जीरो। जी हाँ नाज़रीन, 3111 ओह शिट, नहीं चाहिए। दूसरा नंबर जो कि लूटो पाकिस्तान से इनामात जीतेगा वो है 1843। अपने लास्ट विनर को अनाउंस करने का। आपको बताते चले, ये जो लास्ट विनर है ये ईद बम्पर प्राइस तो जीतेंगे लेकिन साथ ही साथ ये बोनस जीतेंगे। उस बोनस में मौजूद है एक बाइक, 1000 सीसी कार, 20 तोला सोना, 10 लाख रुपए कैश। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये आखिरी नंबर है लूटो पाकिस्तान का, इस आखिरी शो का जो कि मैं अनाउंस करने लगा हूं, और ये नंबर है 0 7 2 1। जी हाँ नाज़रीन, ये है हमारा लास्ट विनर 0721। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत जल्द लूटो पाकिस्तान। आजा। एक और बार चेक करें। हाँ। ओके। जीरो जीरो सेवन सेवन टू टू वन वन यस, यही नंबर है। किसी को बताई होगी, ये सरप्राइज है। सरप्राइज देंगे। यस, अब इतनी सारी चीजें मिल जाएगी, सब सब मिल जाएगा। हाँ। ओके, लेकिन लेकिन एक और बार चेक करें। हाँ, एक और बार चेक कर लेना। ओके, जीरो जीरो बहुत बहुत खराब हो गई ना जगह। ये क्या खुशबू चल रही है? वो सलमान अंकल, खुशबू नहीं चल रही, वो हम खेल लेते, हम यूं पढ़ लेते 0721 0721। ये किसी एम्बुलेंस का नंबर है? हाँ, ये एम्बुलेंस का नंबर है किसी? सलमान अंकल, हम तब भी पढ़ लेते। हाँ, वाह, नमाज तुझे पढ़नी नहीं है और तस्बीह पढ़ रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। यस, तस्बीह पढ़ दे। अल्लाह 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 अल्लाह। ये क्या दाल में कुछ काला है भाई? कंफर्म एक इस कार में सारे के सारे लोग चावल हैं, जिसको देखो अपने अपने काम में लगा। यहाँ पे फोन बज रहा है कि वो क्यों नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा। लूपी इज हियर, तो लूपी कौन उठाएगी? कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यस, हो आप कैसी हैं? आप ठीक है, खैरियत से है? अजी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, और बहुत खूबसूरत है, हैंडसम हो गए। जी जी, बोले बोले। सच बताइए, मेरा रिश्ता आ रहा है। सच जी, सच बताए तो बताए मैं क्या पहनूं? मैं खरारा पहनूं, मैं शरारा पहनूं, बल्कि मैं आड़ा पजामा। आड़ा पजामा, आड़ा पजामा। हेलो, हाँ हेलो, फोन रख दिया।
कोई बात नहीं, गुफी जाके तैयारी कर लेती है। हाय, प्यार से दुपट्टा छोड़ना, ये तो दिखा देना। रुक जाओ ना, मुझे देखने दो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो? दुल्हन का ऐसे होता है ना, हाँ देखिए, हट हट हट, ऐसे ऐसे कर रही है। क्या पहन रही? देखो ना, वो दुल्हन बनने की तैयारी कर रही है। ओके वन मिनट, ये हाँ ओके, स्माइल करें, आईज क्लोज। आपके तो टीथ का बहुत प्रॉब्लम है। मैं क्या करूं, वो भी तो ऐसे ही कर रही है। अच्छा छोटी वाली स्माइल करें, स्मॉल स्माइल, वो थोड़े से तो टीथ दिखाए ना। यस डन, हां यस डन 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 रुको ओके ऑल। उसके बाद और एक ये देखो, ये देखो ऐसे शर्मा ऐसे कर, ओके वन वन मिनट, ओके करें करें। Yes, very nice. Full copy. Ten. गुफी तो कभी भी खराती होती। Perfect. लेकिन ऐसा अच्छा वाला dress तो नहीं होगा ना आपके पास? Dress? हाँ, dress. एक ही dress है। No, black color. No, black नहीं चाहिए। ये वाला नहीं चाहिए। Black नहीं चाहिए। फिर ये वाला? Wow, इसमें diamond है ना? कोई बात नहीं, पहन ले। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? कोई बात नहीं, नो पहन ले। कपड़ों पे पहुंच रहा है बदतमीज, तू कुछ और ले लेता, मेरे कपड़ों को क्यों गंदा कर रहा है? मैंने अच्छा, ओके ओके डन, जाके चेंज कर ले। ओके, बहुत काम करने हम लोगों को, और बहुत हेल्प करनी है, और आप बहुत तंग कर रही हैं, और आप बहुत बोल रही हैं। और जाके कपड़े बदल ले। बहुत तंग कर रही है ये तो। भाभी आपने तो कहा था लड़की बहुत छोटी उम्र की है, तो बड़ी बड़ी लग रही है। अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे जो उन्होंने बताया मैंने वो बता दिया। वो आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की ना, है ना, और मुझे यहाँ पे घर में भी रखा और सपोर्ट भी किया। हमें नहीं करनी शर्मानी, जाओ यहाँ से। अबे खरीदने के बच्चे, मैं हूँ सलमान। सलमान आदमी शर्मानी,